ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपकी गर्मी आ गई है। करके मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ अफ्तार बुफे। इन्फॉर्मेटिव इस सेंस में है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप भी इसी तरह अफ्तार बुफे या अफ्तार पार्टी जो है वो अरेंज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप किस कॉम्बिनेशन में अफ्तार में क्या कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। इसके अलावा आप डिनर में क्या क्या कॉम्बिनेशंस रख सकते हैं, देसी रख सकते हैं, चाइनीज़ रख सकते हैं। अब लास्ट मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने एक इफ्तार दावत जो है वो ऑर्गेनाइज़ की थी, उसका मेन्यू टोटली डिफरेंट था। और अभी जो मैं अफ्तार बुफे अरेंज कर रही हूँ तो उसका मेन्यू जो है वो टोटली डिफरेंट है। इसमें डिशेज़ भी ज़्यादा हैं और डिफरेंट हैं, तो कोशिश होती है कि हर दफ़ा एक नई चीज़ के साथ ही आए। तो सबसे पहले ग्रॉसरी आ गई है तो मैंने सोचा चलो इसको देख लेते हैं। और आज ना मेरा दिल है कि फ्रूट चाट ऑसम सी बनाने पे, तो इसके लिए मैंने कीवी भी मंगवा ली है और क्रीम वगैरह, और इसके साथ साथ मैंने ये स्ट्रॉबेरी और चीकू भी मंगवा लिए हैं, तो आज फ्रूट चाट आला होने वाली है। सबसे पहले मैंने इसके लिए ड्राइंग रूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि ड्राइंग रूम जो है वो काफ़ी बड़ा हॉल नुमा है, तो इसी हॉल को, इसी ड्राइंग रूम को मैंने बुफे वेन्यू सेट किया है। तो इसमें देखे मैंने एक तो सबसे पहले ये मैंने लाइट इंस्टॉल करवाई है कि लाइट कम ना हो, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें सोफ़ास की सेटिंग जो है वो चेंज कर दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये स्पेशियस हो गया है। और सबसे बड़ी बात, डाइनिंग की जो चेयर्स हैं उनको मैंने बैक पे कर दिया है। डाइनिंग की चेयर्स आप जब बैक पे लगा देते हैं और डाइनिंग टेबल को एज आ आप बुफे सेट करते हैं, तो फिर सबको खुद ही आइडिया हो जाता है कि हम लोगों ने किस तरह से खाना लेके और फिर बैक अपनी चेयर्स पे जाके या सोफ़ास पे इजी होके बैठ के जो है वो अफ्तार। सबसे पहले मैं स्वीट डिश रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए भी टाइम लगता है। तो ये आप जितना अर्ली बना के इसको फ्रिज में रखते हैं और ये ठंडी हो जाए तो इतनी ही ये मज़े की लगती है। और अच्छा, स्वीट डिश आज मैं थोड़ी सी अलग से बना रही हूँ। इसमें मैंने शीर खुरमा बनाया है और शीर खुरमा में मैंने थोड़ी सी सेवियाँ और ड्राई फ्रूट्स कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, और उसके बाद ऊपर मैं इसकी क्रीम से थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि इससे ना ज़रा कलरफुल सी हो जाती है, तो कलर अच्छा आता है, टेबल पे अच्छी लगती है। तो उसके साथ अभी मैं दरमियान में इसके एक एक काजू रख के इसको गार्निश कर दिया है, और अब इसके बाद मैं इस पर थोड़े थोड़े से बादाम जो है उसको क्रश करके उनके साथ इसको गार्निश कर दिया है। और ऊपर क्रीम का मैं वही ट्रिक लगाया जो मैंने पहले डेट्स बनाते हुए लगाया था, तो इसके साथ मैंने क्रीम के साथ डिज़ाइनिंग करके इसको फाइनल लुक दे दी है, और ये अब रखते हैं फ्रिज में। अच्छा, इसके साथ पर मैंने दही बड़े जो हैं वो घर में नहीं बनाए, क्योंकि घर में आप वो चीज़ बनाते हैं जो आपके घर वाले बहुत शौक से बहुत खुश होकर खाते हैं, और आपकी जो मेहनत है ना उसका रिवार्ड भी आपको मिलता है एप्रिसिएशन की सूरत में, और आप खुश होते हैं जब अपने हाथों से खाना बनाते हैं और वो खाना सब खाते भी हैं। बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो बस मैंने इनको रेडीमेड मंगवाया और उसके बाद मैंने पापड़ी वगैरह ऊपर सेट करके तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और मेरी सिस्टर इन लॉ काफ़ी हेल्प कर रही है, फ्रूट से रिलेटेड सारा काम उसने किया है, फ्रूट स्टिक्स एंड फ्रूट चाट वगैरह। तो बिलीव मी यार, अकेले बंदे का काम नहीं है ये, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, और इसीलिए तो मैं ज़रा बाहर सांस लेने आई हूँ। धूप आ गई है। यमी यमी सी फ्रूट चाट, इनफैक्ट क्रीम चाट इरहान की भूख ने रेडी कर दी है, और बस अब हम इसको कर रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा गार्निश, और गार्निश करने के बाद फिर इसको मैं कवर करके तो इसको भी फिलहाल फ्रिज पर रखते हैं। लग रही है ना, कलरफुल। हाँ यार, ये बहुत मजे की चीज है, और ये आप जरूर 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 ट्राई करना, कोई भी दावत हो, इफ्तार हो या वैसे कोई दावत हो, ये जरूर ट्राई करना है। ये इतना कलरफुल लगता है। ये मैंने बनाई है फ्रूट स्टिक्स, ठीक है, तो थोड़ा यूनिक आइडिया है, थोड़ा डिफरेंट है। मैंने भी ये आइडिया कहीं से देखा और उसको फिर मैंने कॉपी किया, और लेकिन इट वाज अमेजिंग, सबने बहुत पसंद किया, बड़ा कलरफुल सा, एक टेबल पे भी कलरफुल सा लग रहा था। और ये जो डिश है ना, ये मैं बनाने जा रही हूँ, ये थोड़ी सी आज इस पर थोड़ी मेहनत की है मैंने, और ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत क्रिस्पी, बहुत डिलीशियस, यमी, और एक भी नहीं बचा
ये वो चीज़ है जो कि सारी खाई गई है। इसमें मैंने क्या किया है कि सबसे पहले अंडे बॉईल कर लिए हैं, उसके अलावा पोटैटोज़ को बॉईल किया है, पोटैटो को बाद में मैश कर लिया है, उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के उसका अच्छा सा ना एक पेस्ट बना लिया, ठीक है। उसको अब मैं कवर कर रही हूँ एग्स को, इस जो आलू का पेस्ट है तो अच्छे से कवर कर रही हूँ। अच्छे से कवर करने के बाद इसके ऊपर बेसन लगा के, बेसन लगाने के बाद इसको फ्राई करना है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे बड़ी बात, जो पेंटिंग्स मैंने 6 मंथ से रखी हुई थी फाइनली वो मैंने आज इंस्टॉल करवा दी हैं। ये पेंटिंग्स यहाँ पे लगवाई हैं और एक पेंटिंग जो है वो यहाँ पे लगवाई है, ये तो ये मेरी नीस ने मुझे गिफ्ट की थी, उसने खुद बनाई हैं, थैंक यू सो मच। तो फाइनली ये लग चुकी हैं, ऐसे ही बस जब कहीं गेस्ट ने आना होता है ना तभी इस तरह के काम होते हैं, अदरवाइज ये पेंटिंग पड़े रहते हैं। ओके, तो अब ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, जो मैंने चीज़ें ऑर्डर करनी थी वो भी आ चुकी हैं और जो मैंने घर पे बनानी थी वो भी बना दी हैं। इसमें से मैंने ड्रम स्टिक्स जो हैं ये घर पे मैंने स्टीम की हैं, स्टीम करने के बाद इनको मैंने एयर फ्राई किया है, एयर फ्राई करने के बाद इसको मैंने ऊपर से रैप कर दिया है। और साथ में विंग्स हैं, चिकन विंग्स हैं, अब इन विंग्स को और लेग पीसेस को मैं कवर करके रख रही हूँ, और कवर मैं कर रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल के साथ, और इस तरह से इनकी जो हीट है वो अंदर ही रहेगी और गर्म रहेंगी ये जब तक इफ्तार का टाइम होता है तब तक ये गर्म रहेंगी। तो बाकी चीज़ें भी टेबल सेट कर देती हूँ, अब मैं साथ साथ स्वीट्स जो है ना उनको भी सेट कर दूँ। एक साइड पर मैं रख रही हूँ सारा इफ्तार का मेन्यू, और इस दफ़ा मैंने सोचा है कि डिनर वगैरह सब कुछ एक ही टाइम पर ऑर्गेनाइज़ कर देना है, फुल टेबल ऑर्गेनाइज़ कर देना है। और साथ साथ मैंने इसकी स्वीट डिश जो है वो भी लगा दी है, इसमें सैलड, रायता, Everything is on the table। और खाने में अब बारी आ जाती है ये मज़ेदार सी स्वीट जो फ्रूट स्टिक्स है ना, इनको भी मैंने सोचा कि चलें जो दूसरी वाली प्लेट है ना इसमें ज़रा इसकी लुक अच्छी आएगी तो ये इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये मैंने इस पर रख दी है। उसको कर दें और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं करना मत करें, वीडियो को पूरा लाजमी देख लें, वीडियो को देखें, लाइक करें, उसको शेयर करें, क्योंकि वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनती है। ये ना मैंने ज़रा सरीना टाइप टच दिया है देसी वाला। तो साथ में ये है काबली पुलाव जो मैं अपने मुबारक हाथों से मैंने इसको सेट किया है, बनाया तो हमारी मेड ने था और मैं साथ में इसको सेट कर रही हूँ जूसेस वगैरह को। जूसेस इस तरह अगर बॉटल्स में रखें ना तो ये बहुत मज़े की अच्छी लुक देते हैं, और वाटर बॉटल भी मैं हमेशा स्मॉल वाटर बॉटल्स जो है ना वो टेबल पे रखती हूँ, और इसके साथ जो है टिन पैक्स रखें तो वो भी मज़े की लुक आती है। और दूसरा ये है मटन, मटन कढ़ाई, इसके साथ ये स्वीट्स हो गई, और ये फ्राइड आइटम्स, फ्राइड आइटम्स में बहुत वैरायटी है, फ़िश है, चिकन है, और ये नीचे भी एक चिकन है, मिंट चिकन है, इसके अलावा पकौड़ास हैं, समोसास हैं, और ये हैं दही बड़े और फ्रूट चाट, एंड द टेबल इज़ रेडी। ओ हाँ, मैंने जो चाउमीन बनाया है भाई अपने अपने मुबारक हाथों से मैंने खुद चाउमीन बनाया है, और चाउमीन में मैंने इस दफ़ा बहुत मज़े मज़े की चीज़ें ऐड की हैं। ये है चिकन सॉसेजेस कोफ्ता चाउमीन। ये इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करके मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने तो बहुत इंजॉय किया, एक नया एक्सपीरियंस भी था, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले, सबको बहुत अच्छा भी लगा और तारीफ भी बहुत हुई तो इसलिए इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें डिफरेंट आप ऑप्शंस और ऐड भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ आपको नहीं पसंद या आपके बच्चों को नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर माई चैनल, अदरवाइज़ आई एम गोइंग टू डिलीट इट।